बहुत सारे पेशेंट सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी डाइट बताएं, इस तरह की कोई फूड बताएं कि इम्यूनिटी हमारी बेहतर हो जाए, हम बीमारियों से बचे रहें, डॉक्टर के पास जो बार बार विजिट करने पड़ते हैं उससे बच जाएं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर गुल है, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, FCPS मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। नाज़रीन, इम्यूनिटी, कुव्वते मुदाफियत, जिस शख्स की जितनी ज़्यादा होगी उसमें बीमारियों के इम्कानात उतने ही कम होंगे। और इम्यूनिटी बढ़ाना अच्छी चीज़ यह है कि हमारे अपने हाथ में है, हम खुद अपने मुदाफियती निज़ाम को बेहतर भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो ये चंद सुपर फूड्स अपनी खुराक में रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद पर खाना शुरू कर दें। बिलीव मी, आप मेरी बात को यकीन कीजिए कि आपको इसके वाजे समरात मिलेंगे, आपको वाजे तौर पर फर्क महसूस होगा कि जो छोटे छोटे मसाइल चलते रहते हैं, छोटी छोटी इन्फेक्शंस होती रहती हैं, आप इनसे बचे रहेंगे। इन खुराक में सबसे पहले मैं बात करूंगा सिट्रस फ्रूट की, तुर्श फ्रूट, खट्टे फ्रूट। जिनका गला खराब है उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन सिट्रस फ्रूट जिसमें ऑरेंज है, लेमन है, या कोई भी सिट्रस फ्रूट जिसमें अनार है, ये फ्रूट खाने से आप की कुव्वते मुदाफियत बढ़ती है, क्योंकि इन फ्रूट्स में बहुत ज्यादा वाइटामिन सी होता है, वाइटामिन ई होता है। रिच ऑफ वाइटामिन होने की वजह से ये इम्यूनिटी के जबरदस्त बूस्टर है। दूसरा, नट्स, वॉलनट, आलमंड, इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आपके ना सिर्फ ब्रेन की हेल्थ के लिए बेहतर है बल्कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, बूस्ट करते हैं। दूसरी चीजों में जिंजर, जिंजर टी या लेमन ग्रास की बनी हुई टी, और उसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप जिंजर को। जिंजर एक ज़बरदस्त चीज़ है, घरों में बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होती है, आप इसको ग्रीन टी में या इवन चाय में ऐड करके भी आप इसके बेहतरीन फायदे ले सकते हैं, क्योंकि ये रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। हर वो चीज़ जो एंटीऑक्सीडेंट होगी वो आपकी इम्यूनिटी को लाजमी तौर पर बढ़ाएगी। और चीज़ें जो आप खा सकते हैं वो है गार्लिक का इस्तेमाल। गार्लिक का इस्तेमाल सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी में भी बड़ा इसका किरदार है। तो बाकायदगी से अगर आप सुबह निहार मुंह गार्लिक का इस्तेमाल शुरू कर दें, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट देगा। अदर्स में आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, एग का इस्तेमाल करें मॉडरेट अमाउंट के अंदर, और इसके अलावा आप ब्लूबेरीज का इस्तेमाल करके भी अपनी इम्यूनिटी को, अपनी कुव्वते मुदाफियत को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में कोई भी आप सवाल पूछना चाहें या अपनी किसी भी बीमारी के मुताबिक अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।